कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया भर में मरने वालों की संख्या 2 लाख से ज्यादा हो गई है, जिनमें से 2/3 सबसे बुरी तरह से प्रभावित यूरोप से हैं। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों में से 1/4 लोगों की मौत अमेरिका में हुई। इसके अलावा संक्रमण के 1/3 से अधिक मामले भी अमेरिका में सामने आए हैं। चीन के वुहान शहर से शुरू हुई कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से अभी तक दुनिया भर में 2,03,272 लोगों की मौत हो चुकी है और 29 लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं। इनमें से अमेरिका में 53,511 लोग अब तक मौत का शिकार हो चुके हैं। वहीं खतरनाक कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में 8,36,941 लोग ठीक हो चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में अमेरिका अब कोरोना वायरस के संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित है, जहां कोविड-19 से मृतकों की संख्या 53,511 हो गई और कुल संक्रमितों की संख्या 9,24,576 से ज्यादा है। इनमें से 99,346 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इटली कोविड-19 से दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है, जहां 26,384 लोगों की मौत के साथ 1,95,351 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जबकि 63,120 लोग इस बीमारी से निजात पा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह यानी रविवार को 11 बजे एक बार फिर मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। कोरोना वायरस कहर के बीच रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना लॉकडाउन के ऊपर बात कर सकते हैं और संकट जैसे उपजे हालातों पर भी चर्चा कर सकते हैं। मन की बात का ये 64वां संस्करण है। बता दें कि मन की बात कार्यक्रम हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित होता है। शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लोगों से आज के मन की बात कार्यक्रम सुनने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया, इस बार के कार्यक्रम के लिए लोगों की तरफ से ढेर सारे सुझाव मिले हैं, 11 बजे सुनिए मन की बात। दरअसल कोरोना वायरस के कहर के बीच देश में लॉकडाउन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को 21 दिनों के पहले चरण के लॉकडाउन का ऐलान किया था, जो 14 अप्रैल को खत्म हो गया। उसके बाद फिर पीएम मोदी ने 14 मार्च को लॉकडाउन के दूसरे चरण की घोषणा की, जिसकी मियाद 3 मई को खत्म होगी। बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को कई छूट देने के बीच सरकार ने 3 मई के बाद के लिए तैयारी शुरू कर दी है। देश के विभिन्न हिस्सों में संक्रमितों की संख्या में हो रही वृद्धि के चलते इसे पूरी तरह हटाने की संभावना कम है। हालांकि इसके स्वरूप में बदलाव करने व कुछ क्षेत्रों में छूट देने की संभावना है। शनिवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े प्रमुख अधिकारियों के साथ मौजूदा हालात की समीक्षा की है। केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर हो रहे लगातार समीक्षा में लॉकडाउन को और आगे बढ़ाने के बारे में विचार हो रहा है। अब तक किसी राज्य सरकार ने भी लॉकडाउन समाप्त करने की बात नहीं की है, बल्कि कुछ राज्यों ने तो 3 मई के बाद भी कुछ समय के लिए प्रतिबंध जारी रखने के निर्देश दिए हैं। हालात को नियंत्रण में रखने के लिए गृह मंत्रालय लगातार रियायतों की घोषणा कर रहा है, जिससे लोगों की दिक्कत कम होने की संभावना है। छोटे स्तर पर ही सही आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत होने से मजदूरों को कुछ राहत मिल सकती है। विभिन्न क्षेत्रों में दुकानों को खोलने से लोगों की दिक्कतें कम होगी। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि सीबीआई राज्य सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ जांच कर सकती है, यदि ये कर्मचारी ऐसे घोटाले में सहयोगी हैं जिसमें केंद्र सरकार का उपक्रम शामिल है। जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ ने यह फैसला देते हुए बिहार सरकार की भी खिंचाई की, जो एक आईएएस अधिकारी को बचाने के लिए कोर्ट में ये कहने को तैयार हो गई थी कि आरोपी राज्य सरकार का कर्मचारी है और राज्य में ही निवास करता है। उसे अभियोजित करने के लिए सीबीआई की डीएसपीई एक्ट 1946 की धारा 6 के अनुसार राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को जांच के लिए अनुमति देने और फिर उसे मना करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार ने फरवरी 1996 में एक अधिसूचना में उन अपराधों में सीबीआई को जांच की अनुमति दी है जो केंद्र के मामलों से संबंधित है या ऐसे निकाय हैं जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं, या भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1947 से संबंधित है, या आईपीसी की फ्रॉड या धोखाधड़ी से संबंधित धाराओं से संबंधित है। लेकिन यदि अपराध बिहार सरकार के किसी निकाय में होता है या शामिल कर्मचारी बिहार सरकार के अधीन है तो उनके खिलाफ जांच से पूर्व दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना को राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। कोर्ट ने कहा कि घोटाला दिल्ली में हुआ लेकिन औरंगाबाद के डीएम ने उसमें सहयोग किया, वो भूमि का कथित फर्जी स्वामित्व दिखाकर 2 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा दिलवाया, इसलिए इस अपराध में वो शामिल है और इसके लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है। कोरोना महामारी के कारण केंद्र सरकार के कर्मियों को 3 महीनों तक कुछ और भत्तों से वंचित रहना पड़ सकता है। डीए में बढ़ोतरी रोकने के बाद वित्त मंत्रालय के निर्देश पर मंत्रालय अब कई तरह के खर्चे में भी कटौती की तैयारी में लगे हैं। इसके तहत कार्यालयों के खर्च में कटौती के साथ साथ कर्मचारियों के LTC, लीव इनकैशमेंट, मेडिकल बिलों, वेतन संबंधी पुराने बकायों आदि पर भी कैंची चलने जा रही है। वित्त मंत्रालय ने गत 8 अप्रैल को विभिन्न विभागों की 3 श्रेणियां बनाकर पहली तिमाही के लिखे खर्च की सीमा तय कर दी थी। इसमें कुछ जरूरी विभागों को ए श्रेणी में रखा गया
किया है जो पूर्व की भांति अपनी तय राशि खर्च कर सकते हैं। बी श्रेणी में शामिल विभाग पहले तिमाही में 20% और सी में शामिल 15% ही खर्च कर पाएंगे, जबकि तय नियमों के तहत विभाग तिमाही में आवंटित राज्य की अधिकतम 27% राशि तक खर्च कर सकते हैं। इन निर्देशों के बाद जब 20 अप्रैल से कार्यालय खुलने शुरू हुए तो खर्च में कमी के लिए दिशा निर्देश तैयार होने लगे हैं।